हेलो किड्स फॉर क्लास के जी, टुडे योर वर्क इज पेपर पैटर्न। यानी कि अभी आपको जो वर्क करना है वो आपका पेपर पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट हिंदी। तो आपको पेपर पैटर्न में फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, क से श तक लिखो। तो यहाँ आपको क से श तक लिखना है, क ख ग घ ड, नेक्स्ट च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। ये हो गया आपका क से श तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया आपको, एक जैसे वर्णों को मिलाओ। यानी कि जो वर्ण एक जैसे हैं आपको उनको मिलाना है। जैसे यहाँ क है तो यहाँ पे ढूंढिए आपको क कहाँ मिलेगा, ये रहा। तो क से क को मिलाया, म म से म को मिलाया, प प से प को मिलाया, ख ख से ख को मिलाया, च च से चम्मच, ठ न भ म य। ओके, तो ये हो गया आपका वर्णों का मिलान। उसके पीछे देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन, एक जैसे सॉरी चित्र के नाम के पहले वर्ण पर गोला बनाओ। यानी कि आपको चित्र देख के उसके नाम के पहले वर्ण पे गोला बनाना है। तो फर्स्ट ये चित्र किसका है, ये है सड़क। तो स कौन सा इनमें से, स से सड़क ये है, तो हम इस पे गोला बनाएंगे। ठ से ठप्पा, तो इनमें से ठ कौन सा है, ये रहा ठ। ग से गमला, तो ख ग द, तो इनमें से ग है यहाँ, ग पे बनाएंगे। च से चम्मच, तो ध च न, तो ये हो गया च से चम्मच। ट से टमाटर, तो इनमें से ट कौन सा है, ये रहा। ओके, फोर नंबर क्वेश्चन है, सही अक्षर पर गोला बनाओ। यानी कि जो अक्षर एकदम सही लिखा हुआ है हमें उस पे गोला बनाना है। जैसे इन चारों में से सही अक्षर है ये क, तो हम इस पे गोला बनाएंगे। फिर इन चारों में से सही अक्षर है र, र पे गोला बनाएंगे। फिर इनमें से सही अक्षर है ये वाला। फिर इनमें से झ, तो झ पे बनाएंगे। ग, अब इनमें से ग कौन सा सही है, ये वाला। तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन नंबर फोर। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आपको दिया हुआ है, चित्रों को देखकर उनके नाम का पहला वर्ण लिखो। यानी कि आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, आपको बताना है कि ये किसकी पिक्चर है और उसका पहला वर्ण लिखना है। जैसे ये किसकी पिक्चर है, घ से घर, तो हम यहां बनाएंगे घ। म से मछली, तो हम बनाएंगे म। प से पतंग, तो बनाएंगे प। ब से बादल, तो बनाएंगे ब। और छ से छतरी, तो यह बनाएंगे छ। ओके, तो इस तरह आपको फाइव क्वेश्चन करने हैं आपकी हिंदी नोटबुक में।